सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं सुखदीप कौर संधु, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। पंजाब मेल खबरां दे स्पॉन्सर ने रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा, रियल एस्टेट दी दुनिया दा मन्निया परमन्निया नाम। पहला पेश ने चुनवीआं खबरां। पंजाब च लॉकडाउन दा समां वधा के शाम 6 तों सवेरे 5 बजे तक कीता गया। संत बलबीर सिंह सिचवाल ने पंजाब सरकार खिलाफ सीधा मोर्चा खोलिया। कोविशील्ड दे उत्पादक लई कच्चा माल देवेगा अमरीका। कोविड खिलाफ जंग च पंजाब दी मदद करेगी भारतीय फौज। नगर कौंसल चोणां, नगर पंचायत अते नगर निगम चोणां तों बाद ताजपोशी नूं लै के कांग्रेस पार्टी विच खुशी दी लहर। हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब विच नाइट कर्फ्यू नूं लै के समां बदल दित्ता गया है। पंजाब कैबिनेट दी मीटिंग खत्म होण तों बाद सुनील जाखड़ ने दस्सिया है कि सूबे अंदर कोरोना नूं लै के होर सख्ती कीती जाएगी। कोरोना कारण लगातार वध रहे केसां नूं लै के सूबे दे शहरी खेतरां विच हुण शाम 6 बजे तक ही दुकानां खुल्लणगियां, जदों कि पिंडां विच शाम 5 बजे तक ही दुकानां खोलियां जा सकदियां ने। इस दे नाल ही पंजाब विच वीकेंड लॉकडाउन भी लगा दित्ता गया है। तुहानूं दस दईए कि पहला सूबे विच नाइट कर्फ्यू दा समां रात 8 बजे तों सवेरे 5 बजे तक ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਖਪਤ 200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ 300 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। संत बलबीर सिंह सिचवाल ने पंजाब सरकार खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिता है। पवित्र कायली वहीं विच लगातार गंदे पानी कारण मर रही मच्छियां नूं लै के सिचवाल ने कहा है कि सरकार अते सिस्टम दी लापरवाही कारण बेजबाना दी मौत हो रही है। सिचवाल ने सोशल मीडिया ते एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि बहुत ही मन नूं दुखी करन वाली गल है। ट्रीटमेंट प्लांट ना चलन कारण अते बाईपास करन कारण गंदा पानी पवित्र कायली वहीं विच आ रहा है, जिस दे नाल मर रही ने मच्छियां। कायली वहीं विच साफ पानी वगदा सी जो लखां मच्छियां नूं जीवन दे रहा सी, पर पिछले 1.5 महीने तो वही विच साफ पानी नहीं आ रहा। इस संबंधी उन्होंने डिप्टी कमिश्नर नूं भी बेनती कीती सी, पर गंदे पानी दा सिलसिला बदस्तूर जारी है। उन्होंने कहा है कि यह हिरदे नूं वलूंदर रहा है ते यह सिस्टम दी जवाबदेही है अते उन्हां जवाब देना चाहीदा है। संत बलबीर सिंह सिचवाल ने नैशनल ग्रीन ट्यूबल वल्लों पंजाब विच दरियावां दे प्रदूषण ते गठित मॉनिटरिंग कमेटी दे मैंबर रहे हन। बावजूद इस दे स्थिति अज यह है, उन्हां दीआं अखां सामने ही पवित्र वेई विच लगातार गंदा पानी वग रहा है ते बेवस हो के सरकार तों जवाब दी उम्मीद लाई बैठे ने। संत बलबीर सिंह सिचवाल ने पंजाब सरकार खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। पवित्र काली वेई विच लगातार गंदे पानी कारण मर रहीआं मच्छियां नूं लै के सिचवाल ने कहा है कि सरकार अते सिस्टम दी लापरवाही कारण बेजुबाना दी मौत हो रही है। सिचवाल ने सोशल मीडिया ते एक वीडियो शेयर करदिआं कहा कि बहुत ही मन नूं दुखी करन वाली ये गल है। अमरीका ने भारत नूं भरोसा दिता है कि वह भारत च कोविशील्ड दे उत्पादक लई तुरंत कच्चा माल मुहैया करवाएगा। व्हाइट हाउस दे एक सिखरले अधिकारी ने कहा है कि बाइडन प्रशासन कोरोना वायरस महामारी खिलाफ भारत दी जंग नूं मजबूत देने लई सारे सोमे ते सप्लाई भेजण लई हर समय काम कर रहा है। भारत जदों सब तों बुरा सहित संकट चल रहा सी तां अजिहे समें दे विच कोविड-19 दे टीके ना भेजण लई बाइडन प्रशासन नूं कई वर्गां दीआं आलोचनावां झलणियां पै रहीआं हन। आलोचना करन वालियां च डेमोक्रेटिक पार्टी दे मैंबर ते हमायती वी शामिल हन। भारत ने अमरीका नूं कोविशील्ड टीके दे उत्पादन लई कच्चा माल भेज ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਵਧ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੈਕ ਸਲੀਵਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋੜ
पैन ते इस समय भारत की मदद लई दृढ़ हां। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ट्वीट किया है कि अमरीका कोविड 19 के कहर दौरान वधेरे सहयोग ते सप्लाई भेजने लई भारत सरकार दे नेड़े मिलके काम कर रहे सहायता देन दे नाल ही असी भारत दे सेहत कर्मियां समय उन्हां दे नागरिकां लई भी प्रार्थना कर रहे हां। भारतीय फौज ने हुण कोविड महामारी की दूजी लहर नाल नजिठण लई पंजाब सरकार की मदद का फैसला किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना नूं जंग वर्गी स्थिति दसदे हुए भारतीय फौज नूं सहायता की अपील की है। भारतीय फौज की पछमी कमांड ने मैडिकल सेवावां देण लई समेत हर संभव मदद की पेशकश की है, जिस दे विच पंजाब विच बंद पए पुराने आक्सीजन प्लांटां नूं सुरजीत करना भी शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब च लॉकडाउन लगाए जाने तों इनकार कर दिता है। पछमी कमांड दे जीओसी एनसी लैफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने सीनियर कमांड अधिकारियों नाल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी एक वर्चुअल मीटिंग दौरान प्रस्तावित 100 बेडां दे कोविड सेंटर नूं चलाउण लई स्टाफ मुहैया करवाउण दी पेशकश भी कीती है। फौज अधिकारियों ने भरोसा दिता है कि उस स्थिति नाल निजिठण लई पंजाब नूं हर संभव सहायता देणगे। लैफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने दस्सिया कि कमांड सेंटर वल्लों तकनीकी अते माहिरां दी सेवावां प्रदान कीतियां जाणगियां। बीते दिनी पंजाब विच नगर कौंसल चोणा, नगर पंचायत अते नगर निगम चोणा तो बाद ताजपोशी नूं लैके कांग्रेस पार्टी दे विच खुशी दी लहर पाई जा रही है, जिस दे तहत पहली वार होया कि 70 सालां दरमियान नाभा नगर कौंसल दे दूसरे वार प्रधानगी अदा अहुदा रजनीश मित्तल शैंटी ने नगर कौंसल विच कैबिनेट मंत्री पंजाब साधु सिंह धर्मसोत की अगुवाई विच प्रधान दा अहुदा संभालिया है। इस मौके कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने प्रेस नाल गलबात करदे हुए कहा कि कोरोना वायरस देश अंदर भयानक रूप धारण करता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं चाहिए कि देश अंदर आ रही आक्सीजन की कमी नूं जल्द पूरा किया जाए ताकि कीमती जाना बचाईया जा सकन। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री ने, ना कि बीजेपी के। जो नरेंद्र मोदी वालों बंगाल विच रैलियां जिसका जवाब दिंदिया धर्मसोत ने कहा कि कोरोना महामारी के दरमियान जो सिखा अतवादी वक्खवादी कह रहे ने मोरली कतार विच आके मदद कर रहे ने। आम पार्टी वालों बिजली दर लेके लगातार कांग्रेस सरकार खिलाफ मोर्चा खोलन से धर्मसोत ने कहा कि आम पार्टी का सिर्फ काम कावा रौली पाउणा है। ये प्रधानगी जिहड़ी दित्ती है, ठीक है, शहर के लोगों ने पहला तो उन्होंने बिना मुकाबला जेतू करार दिता, उन्होंने मैसेज दित्ती है और कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलिया, दो तिहाई बहुमत, और सारे ने फैसला करके एम सी साहबान ने संत जी नूं, ईवन कि अपोजिशन ने भी जो 5-6 मैंबर से उन्होंने भी सर्वसम्मति दे नाल प्रधान बनाया और अज उन्होंने ज्वाइन कराने वास्ते रस्मी तौर पर मैं आया सी, सिर्फ एम सी बुला के ते वह मैं 2 मिनट ला के हुण उन्होंने ज्वाइन करा के जा। ऐतवार नूं पूरा लॉकडाउन होने के बावजूद बटाला दे विच शराब दे ठेके पूरी तरह खुले नजर आए ने। जिथे सारियां दुकानां बंद सी उत्थे ही शराब दे ठेके पूरी तरह खुले सन। हैरानी वाली गल यह है कि किसी भी पुलिस अधिकारी ने शराब दे ठेके बंद नहीं करवाए। DSP हरविंदर सिंह गिल ने दस्सिया है कि उन्होंने इलाके च सब कुछ बंद है ते शराब दे ठेके भी पूरी तरह बंद ने। जद उन्होंने पूछा गया कि ऐतवार नूं लॉकडाउन होने के बावजूद ठेके खुले हैं तो DSP ने कहा कि सारे इलाके च पुलिस अफसर लगे हुए हैं, जिहड़ा उन्हां कोल सिटी दा एरिया है उस च सारे ठेके बंद हैं। जो भी सरकार दीयां हदायतां दी उलंघना करता है उन्हां खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है अते नाल ही चलान भी कटिया जा रहा है, जबकि असल इस दे उल्ट है, उन्हां दे इलाके दे सारे ठेके खुले हुए सन। ऐतवार नूं पूरा लॉकडाउन होने के बावजूद बटाला च शराब दे ठेके पूरी तरह खुले नजर आए। जिथे सारियां दुकानां बंद सी उथे ही शराब दे ठेके खुले हुए सी। हैरानी वाली गल यह है कि किसी भी पुलिस अधिकारी ने शराब दे ठेके बंद नहीं करवाए। DSP हरविंदर सिंह गिल ने दसिया कि उन्होंने इलाके च सब कुछ बंद है अते शराब दे ठेके भी पूरी तरह बंद है। जब उन्होंने पूछा गया कि अज ऐतवार नूं लॉकडाउन होने के बावजूद ठेके खुले हुए ने तो DSP ने कहा कि सारे इलाके च पुलिस अफसर लगे हुए ने, जिहड़ा उन्होंने कोल स्थित दा एरिया है उस च सारे ठेके बंद ने। कोरोना केसां दे वाधे नूं वेखदे होए रजिंद्रा हस्पताल पटियाला दे विच मिलिट्री दे जवान तैनात किए गए ने। इन्हां नूं PPA किटां पहन के कोरोना वार्डां दे विच भेजा जाएगा तां कि उत्थे मुलाजमां दी घाट नूं पूरा किया जा सके। मैडिकल सुपरिटेंडेंट ने भी कहा है कि मुलाजमां दी घाट अते वाधे केसां कारण इह फैसला लिया गया है। इन्हां हाल दी घड़ी 30 दे करीब मिलिट्री जवानां नूं ट्रेनिंग भी दित्ती गई है। नहीं जी, बिल्कुल कहना गलत है जी। ये साढ़े को जी प्रेजेंट मोर्चरी है जी, बड़ी हाईटैक बहुत वीड्डी मोर्चरी है, कोई इस तरह की गल नहीं है जी।
मोर्चे के साढ़े को सफिशेंट जगह हैगी है, कोई इदा की गल नहीं है। इस तो इलावा ना मैं तुम्हें दस देव साढ़े को होर एक अनाटमी डिपार्टमेंट है साडा, वो जिते असी लाशा रखते हैं जी MBBS फर्स्ट ईयर के बच्चों पढ़ाने के लिए, साढ़े को उधर भी बहुत जगह हैगी है जी। इदा की कोई गल नहीं है कि जी लाशा रखने की घाट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ साढ़े को ना जी पिछले जो 24 घंटे से रात के 12 बजे तक 28 मौत हुई सी जी, जिन्होंने 4 सस्पैक्ट से। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता और सबका मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह सिख पंथ च मुड़ वापसी नूं लैके सरगर्म हुंदे दिखाई दे रहे ने। कई दिनों तो लंगाह अपने साथियों नाल श्री अकाल तख्त साहिब विखे नतमस्तक हुंदिया पंथ च वापसी लैके अरदास कर रहे हैं। इस दौरान भावें एक दिन कुछ व्यक्तियों वालों सुच्चा सिंह लंगाह की विरोधता भी की गई सी, पर इसके बावजूद दृढ़ इरादे नाल लंगाह लगातार श्री अकाल तख्त साहिब विच हाजरी भर रहे हैं। सुच्चा सिंह लंगाह ने कहा है कि वह निमाणे सिख वजो श्री अकाल तख्त साहिब विखे नतमस्तक होने लिए आते हैं, क्योंकि हर सिख नूं हक है कि वह गुरु साहिब के चरणों च नतमस्तक हुंदिया अरदास बेनती कर सकता है। उन्होंने कहा है कि वह अपनी भुल बख्शाउण लई श्री अकाल तख्त साहिब विखे हाजरियां भर रहे हैं, तां जो सिख पंथ चों उन्हां दी मुड़ वापसी हो सके। श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर नेता ते साबका मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह सिख पंथ च मुड़ वापसी नूं लैके सरगर्म हुंदे दिखाई दे रहे ने। कई दिनों तो लंगाह अपने साथियों दे नाल श्री अकाल तख्त साहिब विखे नतमस्तक हुंदिया पंथ च वापसी नूं लैके अरदास कर रहे ने। इस दौरान भावे एक दिन कुछ व्यक्तियों वालों सुच्चा सिंह लंगाह की विरोधता भी की गई सी, पर इस दे बावजूद दृढ़ इरादे नाल लंगाह लगातार श्री अकाल तख्त साहिब विखे हाजरी भर रहे ने। यूथ सिटीजन कौंसल पंजाब के प्रधान डॉक्टर रमन कई ते होर प्रतिनिधा वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाहना से COVID-19 तो लोगों को बचाने जागरूक करने संबंधी शुरू की गई मुहिम तहत घंटा घर चौंक में खड़े होकर लोगों को जागरूक किया। इस मौके इन्होंने प्रतिनिधा वालों हाथों में वख वख तरह के स्लोगन लिखिया तख्तियां फड़िया हुई सन। इस मौके विशेष तौर पर मुहिम में पहुंचे इंडियन रैड क्रॉस के नैशनल वाइस चेयरमैन अविनाश राय खन्ना वालों जिथे लोगों इन भयानक बीमारी तो बच जागरूक किया गया, उत्थे ही उन्होंने करीब 100 तो वध लोगों को मास्क भी वंडे ने। नमस्कार, मैं अविनाश राय खन्ना, नैशनल वाइस चेयरमैन रेड क्रॉस सोसायटी और हिमाचल प्रदेश का मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी हाँ। साडे देश के प्रधानमंत्री जी ने सारे देशवासियों को अपील की है कि करोना की दूजी लहर तो बचने लिए सानू एक बार फिर कुछ प्रिवेंटिव मेजर लेने पैणगे, कुछ गल्लां तो अपना बचाव करना पएगा, तो मुफ्त च असी करोना की लड़ाई लड़ सकते हैं। वो है मास्क बनना लगाना, 2 गज की दूरी रखना, तो बार बार हाथ धोने। करोना तो बचने लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया जनता को भी तुसी इस मुहिम च राष्ट्रीय आपदा आ इस सहयोग दिओ और इस कड़ी में लोगों को जागृत करने लिए असी यूथ सिटीजन कौंसल पंजाब वालों अज इतने सोशल डिस्टेंस बना के खड़े हुए हैं, स्लोगन खड़े आ लोगों को जागृत करने लिए बार बार हाथ धोने, अपने मास्क लगा के रखन, सोशल डिस्टेंस बना के रखन, ता जो करोना की लड़ाई में योगदान हर बंदे का पै सके। और एक यही इलाज आ ये जिहड़े सरकार द्वारा दसे उपाए आ फ्री दे उपाए आ इन्हां नूं अपना के असी आप भी बच सकते हैं, अपने परिवार को भी बचा सकते हैं, अपने इलाके को भी बचा सकते हैं। श्रोमणी अकाली दल के साबका मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी के कई आगुओं निशाने पर लिया है। उन्होंने पंजाब के विशेष मुद्दे से समस्या तो बरदाने की समस्या, कोरोना के बढ़ रहे मामले और हस्पतालों के ऑक्सीजन की पैदा हो रही घाट के नाल दवाइया की घाट के बारे भी दसते हुए कहा कि इन समस्यावान से कैप्टन सरकार उन्होंने आगुओं ने कोई चिंता प्रगट नहीं की है। इन सब एको काम आता है, वह है किमें असी श्रोमणी अकाली दल और बादल परिवार से सियासी निशाने लगाने ने। उन्होंने नवजोत सिद्धू ते निशाने विरदे होए क्या है कि जो बेअदबी हुई सी उदों ओ भी श्रोमणी अकाली दल भाजपा दी पार्टी विच शामिल सन। सिद्धू दीआं मौजां हन, उसदा जदों दिल करदा है ओ यू टर्न मार लैंदा है ते जदों दिल करदा है ओ सियासत खेड लैंदा है। इस गल ते चिंतित है कि पंजाब दी मंडियां भरियां पईआं ने और नीरो दी नींद कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उहनां दी सरकार सुती पई है, उन्हां दा ना तां मंडियां च जो किसानां दा हाल हो रहा इस करोना काल च ना उहदे वल ध्यान जा रहा।
कि ना तो बारदाना अवेलेबल है, लिफ्टिंग की तो गल ही दूर हो गई। जदों बारदाना अवेलेबल नहीं तो लिफ्टिंग की तो मैं गल ही नहीं कर सकता। और दूजे जो हालात बने हैं सारे पंजाब चे ते देश चे कि करोना की महामारी लई किन्नी इल प्रिपेयर्ड ने सरकारां कि करोना दे गिनती भी बहुत तेजी नाल वध रही है और करोना डेथ्स भी बहुत तेजी नाल वध रही। और वड्डी गल कि जिहड़ी सब तो जरूरी इहदे वास्ते करोना की महामारी च जिहड़ियां दो चीज़ां सब तो जरूरी मन्नियां जांदियां ऑक्सीजन ते दवाइयां ओहदी बहुत वड्डी घाट वेखण नूं मिल रही है। पंजाब दे सेहत मंत्री सरदार बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि पंजाब सरकार वालों दिल्ली समेत देश के किसी भी हिस्से तो आने वाले कोविड मरीजों का इलाज बिना किसी देरी दे भेदभाव तो किया जाएगा। कपूरथला दे विधानसभा हलका भुलथ विच सिविल हस्पताल दे विच डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन करन मौके दिल्ली ते होरना सूबिया तो पंजाब विच इलाज लई करवाउण आ रहे कोविड पीड़ितों बारे कहा है कि सरबत दे भले दे सिद्धांत अनुसार पंजाब सरकार हर पीड़ित नूं इलाज मुहैया करवाउण विच वचनबद्ध है। फिर भावें उह किसी भी सूबे दा वसनीक होवे, उन्होंने कहा है कि दिल्ली दे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल वल्लों सेहत सेवावां विच कीते वादे बारे झूठे प्रचार दा नतीजा सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार वल्लों कोविड टीकाकरण तेजी नाल चलाया जा रहा है, जिस तहत पंजाब सरकार वल्लों सारे मुढले सेहत केंद्रां ते हैल्थ वैलनेस सेंटरां उपर टीकाकरण दे नाल नाल पेंडू खेतरां अंदर विशेष कैंप लाए जा रहे हैं तां जो लोकां नूं वैक्सीनेशन लई दूर ना जाना पवे। उन्होंने दस्सिया कि हुण तक 30 लाख तों ज़्यादा लोकां दा टीकाकरण करवाया गया है, जिस लई कोविशील्ड दीआं 25.48 लाख खुराकां अते कोवैक्सीन दीआं 2.64 लाख खुराकां दी वरतों कीती जा चुकी है। देखो मैं एक बाबा जोरावर सोसायटी वालों जिहड़ा एक बहुत बड़ा सलाह जो काम किया गया है कि इत्थे डायलिसिस लगाईआं गईआं ने, 70-80 लाख की इनवैसटमेंट की गई है और NRE भरावां ने ब्रिगेडियर साहब इन्हें सारी टीम जिहड़े बंदे हैगे मैंबर हैगे ने उन्होंने एक लोगों रस्ता दिखाया कि जेकर लोग इकट्ठे होकर उद्यम कर जी पब्लिक प्रॉपर्टी सारी अपनी प्रॉपर्टी होंगी है इनू संभालना इनू वधिया बनाउणा साढ़े अपने आप बस होंदा है। मुख्यमंत्री पंजाब दे शहर पटियाला विच करोना वलंटियरां ने अपनियां मंगां नूं लै के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मोती महल वल जाना चाहुंदे सन, पर पुलिस प्रशासन वल्लों उन्हां नूं रोक दित्ता गया है। उन्हां विचाले धक्का मुक्की भी देखण नूं मिली है। सर मेरा नाम चरणजीत कौर है ते मैं करोना वलंटियर हाँ। सर अज साडा पटियाले स्टेट लैवल का धरना है, असी इत्थों चल के असी हाँ जी सर असी इत्थों चल के कैप्टन साहब की कोठी वल नूं कूच करांगे। की मंगण तुहाडी की मंगण लै के चलो? सर असी पहला करोना वलंटियर सी, जो पिछे मिशन फतेह होया वो साडा पूरा योगदान सी, पर पता नहीं कैप्टन साहब नूं की है लगता कि सानू तो अखों परेखे करी जांदे ने। असी सर नाल बहुत सारिया मीटिंगां प्रनीत कौर जी नाल भी कर चुके हैं, होर कोई ना समझे पर सानू प्रनीत कौर तो समझ सकते हैं ना कि असी छोटे छोटे बच्चों छड के उस टाइम घर जो कोई भी घर तो नहीं निकलता सी, असी अपने बच्चों नूं छड के अगे आए सी, पर अज कैप्टन साहब नूं जां सरकार नूं कोई साड़ी सार नहीं लैंदा। एक पासे तो घर घर नौकरी की गल कर रहे हैं, दूजे पासे असी चिट्टे एपरन वाले मैडिकल स्टाफ सड़कों ते रोण लई मजबूर होए पए हां। भारत में करोना लाग के केसों भारी वाधे के चलदे ऑक्सीजन की घाट कारण सऊदी अरब भारत लई 80 टन तरल ऑक्सीजन गैस भेज रहा है। सप्लाई की यह खेप अडानी ग्रुप अते लिंडे कंपनी के सहयोग नाल भेजी जा रही है। रियाद भारतीय मिशन ने ट्वीट किया, भारतीय अंबैसी अडानी ग्रुप अते लिंडे कंपनी के सहयोग नाल भारत नूं 80 टन तरल ऑक्सीजन गैस भेज के माण महसूस कर रही है। मदद सहयोग अते तालमेल लई असी सऊदी अरब के सेहत मंत्रालय का दिलों धन्यवाद करते हैं। इस अज दी खास खबरें देश विदेश दी होर खबरें देखने वास्ते तुसी साडे यूट्यूब चैनल पंजाब मेल USA TV करो सबसक्राइब। धन्यवाद।